बिग न्यूज़, मैं हूँ जूही और ये सबसे पहले बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। आपको बताते चले कि जमशेदपुर के परसुंडी थाना अंतर्गत कीताड़ी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कीताड़ी निवासी ठेका कर्मी की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। हालांकि अंचलाधिकारी के निर्देश पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और अगली कार्रवाई की जा रही है। बता दें बुधवार को जमशेदपुर के कई थाना क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि होने पर प्रशासन की नींद उड़ गई, जहां शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। वहीं कीताड़ी निवासी टाटा स्टील ठेका कर्मी के कोरोना पुष्टि होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं अंचलाधिकारी व परसुंडी थाना प्रभारी दल बल के साथ कीताड़ी क्षेत्र पहुंचे और क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में बांट दिया गया। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के कुल 6 परिवार के कुल 35 लोगों को कंटेनमेंट जोन के दायरे में रखा गया है, साथ ही 8 घरों को बफर जोन के दायरे में रखा गया है। उन्होंने बताया क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वॉलंटियर नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जा सके। कि मामला आने के बाद हम लोग यहाँ पे आके सर्वे करके उसके बाद 6 घर का एक कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और इसको एरिया को सील कर दिया गया और वॉलंटियर का यहाँ पे चयन कर लिया गया। कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और फिर कंटेनमेंट जोन बनने के बाद जो इनकी समस्या होगी उसके संबंध में आकलन करते हुए हम लोग अपनी तैयारी कर लिए। सर, कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मिला है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या सर की? अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात सामने नहीं आ रही है। क्या ठेकेदारी में काम करता था, किसको? अभी काम करते हैं, मेरे पास उतनी ज़्यादा सूचना नहीं है। किसको ठेकेदारी में? अभी सूचना नहीं है। कहाँ कहाँ घूमे हुए थे कुछ है? घूमने का कोई सूचना नहीं है, उनके द्वारा बताया गया है कि वो घूमे नहीं है। कितने घर का बनाया गया है? यहाँ पे 6 घर का बनाया गया है। कुल कितने सदस्य होंगे परिवार में अंदाज एक सर? लगभग 35 लोग हैं। और बफर जोन में कितने घर हैं सर? बफर जोन में 8 घर हैं। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए आप इसी तरह हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर बने रहो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।